काहे डिस्टर्ब है जे चलो आई लव यू भाई का ही प्रोड्यूसर ऐसे छात्र छात्र के चलो बड़े बड़े पांच आज मैं पान खाया हूँ आज मैं बहुत मूड में हूँ पान जिस दिन खा लेता हूँ उस दिन मूड में रहता हूँ मैं और कुर्ता भी महंगा आज पहना हूँ मैं 1500 का लिया हूँ ये कौन सा वाला पान है बनारसी है कि बाबू मैं ठेले का कुर्ता पहनता हूँ नहीं मॉल में नहीं जाता पान एक्चुअली 400 पड़ा था मेरा जो भी चीज़ होता है ना सब इंडिया से बाहर का होता है नाला से बाहर टोल टैक्स लगता है बाहर जाना पड़ता है प्रभात लाना कैसे है अच्छा मेरा बात होगा अरे ना तो हम जो छाप दी पता चल जब यह है तो मैं और खत्म हो रहा है सर मीडिया वाले लोग से बहुत डरना चाहिए मेरे नहीं हुए ना सर तो मंत्र खेसारी परवा रहा है प्लीज भाई देख लीजिए पूजा पाठ फिल्म वाला है सबको बता देता हूँ तेरे का बोले कौन ठीक है भाई लोग को कौन भरोसा नहीं है तो सच बच के झूठ बना देखो झूठ बच के सच सही है तेरे भी करा दो अब पता चल जब ये कर भौती भौ का आशीर्वाद देके चल रही है सिर्फ बीच में ऑल आउट लाइट इतना ही है क्या भाई? अरे भाई मेरा पैर स्लिप कर रहा है तीन गोल दे रहे तीन क्या मैं 12 खोल रहा भाई क्या 12 गेंद टीवी है हाँ बहुत अच्छा लग रहा है ये टाइटल दीवानापन का बहुत अच्छा है और मैं दीवानापन की पूरी टीम को मैं इंदु सोनाली की ओर से सभी को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहती हूँ क्या आप क्या म्यूजिक में मतलब आपकी आवाज़ दर्शक देख पाएंगे हाँ उम्मीद तो है पूरी तरह से मैं नहीं बता सकती क्योंकि वो म्यूजिक डायरेक्टर हैं जो वही डिसाइड करते हैं प्रोड्यूसर या डायरेक्टर हैं लेकिन मुझे उम्मीद जैसा कि अगर मैं आई हूँ तो सबसे पहले मैं बिन बुलाए आती नहीं और जब आती हूँ तो सबको लगेगा कि हाँ मुझे गवाना चाहिए खेसारी जी के और काजल की जोड़ी के बारे में क्या कहना चाहिए बहुत अच्छी जोड़ी है मैं तो कहती हूँ कि भोजपुरी में जितनी भी हीरोइनें हैं और जो हमारे सिलेक्टेड हीरो हैं हमारे भोजपुरी के जो मेन भोजपुरी से हैं सबकी जोड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है बिल्कुल ऐसा नहीं कि सिर्फ एक मुझे लगभग जो जो भी जोड़ियाँ हैं वो सबकी जोड़ियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती है भोजपुरी में भोजपुरी से आपको बहुत प्यार है क्या बॉलीवुड में आप जाना नहीं चाहते बिल्कुल मैं क्या है ना कि बहुत लोग मुझे बोलते हैं मेरे फैंस बोलते हैं कि इंदु जी आप हिंदी क्यों नहीं ट्राई करती हैं इसमें ट्राई करने की कोई बात नहीं है सिंगर की कोई भाषा नहीं होती सिंगर सब तरह के गाने गाती हैं मैंने कई हिंदी फिल्मों में गाया बट वो फिल्म जब मार्केट में नहीं आती है तो पता नहीं चलता है कि इंदु सोनाली ने हिंदी में क्या गाया अभी मेरी 24 मार्च को एक फिल्म आने वाली है अनारकली आरा वाली और वो हिंदी पिक्चर है और ईश्वर करे कि वो फिल्म चले और मार्केट में आए तो सबको लगेगा उसमें मेरे 2 गाने हैं और एकदम हटके फिल्म बनी है और हिंदी क्या मैं तो कोई भी भाषा गाती हूँ लेकिन जब तक फिल्म मार्केट में ना आ जाए म्यूज़िक मार्केट में ना आ जाए तो किसी को पता नहीं चलता है कि हमने क्या किया होली आ रही है हिंदी पर गाना ना हो ऐसा हो नहीं सकता होली को बिल्कुल अभी मैं भी मेरा एक एल्बम आया है दिल बोले सारा रारा और मैं काफ़ी हमारे दर्शक पसंद कर रहे हैं होली में मिट जाएगा तो गवाया बलम के दिल बोले सारा रारा 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 बच के जाई बा कहा तू आई बा
यहाँ के दिल बोले सारा रा 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 के दिल बोले सारा रा 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 हैप्पी होली होली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं थैंक यू सो मच आप सबको एंड मेरी दीवाने फिल्म दीवानापन का अभी मुहूर्त हो रहा है एंड बहुत एक्साइटेड हूँ. हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर हैं अमित जी एंड हमारे डायरेक्टर हैं मनोज जी. उन सबको मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगी और मेरे हमारे स्टार जो खेसारी लाल यादव है उनको भी. और इस फिल्म की लाइक स्टोरी बहुत ही प्यारी है, यूनिक है और मैं बहुत एक्साइटेड उस फिल्म को लेके कि इस जैसे मैं हीरोइन हूँ, लाइक लाइव में हीरोइन हूँ बट इस फिल्म में भी मैं हीरोइन दिखाई हूँ. जैसे हम शूट करेंगे तो मैं हीरोइन का हम कुछ शूट कर रहे हैं या ऐसा कुछ तो है. सो कुछ यूनिक है, आप सबको बहुत पसंद आएगा और उसी हीरोइन से हमारे स्टार को प्यार हो जाता है. हाँ, हमारे दर्शक पसंद करते हैं और हम उनके लिए मूवी करते हैं और तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमारे जो डायरेक्टर्स हैं उन सबको लगता है कि अगर इनकी जोड़ी लेंगे जो हमारे पैर पसंद करते हैं तो उनके लिए वो फिल्म बनाते हैं. सो उनके लिए है ये चीज़ और यूनिक तो जोड़ी बन चुकी है. जैसे मेहंदी लगा के रखना अभी रिलीज़ हुई है और सबने बहुत पसंद किया हमारे वर्क को, हमारे पैर को, हमारे रोमांस को. सो हम तो कोशिश करते हैं कि हमारे फैंस हमसे खुश हो. होली पे क्या प्रोजेक्ट है? जैसे होली होली में तो मैं जा रही हूँ दोहा कतर शो करने और होली में मैं शूट कर रही हूँ, एक फिल्म शूट करने जा रही हूँ मैं. नाम क्या था? मैं एक फिल्म शूट कर रही हूँ जिसका नाम अभी प्रोडक्शन 5 है. सो नाम अभी तक रखा नहीं है बट आप सबको मैं बहुत जल्द बताऊँगी. ब्लास्टिंग मैं इस बार 4th टाइम जा रही हूँ और जब भी मुझे कॉल आता है, जब भी दोहा में शो होता है तो काजल राघवानी को लोग ज़रूर कॉल करते हैं क्योंकि मेरे वहाँ पे बहुत सारे फैंस हैं और मैं दिल से उनको लव यू बोलना चाहूँगी बिकॉज उनकी बदौलत मुझे वहाँ पे बुलाया जाता है. सब लोग वन टाइम जाते हैं या सब लोग को वन टाइम बुलाया जाता है लेकिन मुझे जब भी जाते हैं, जो भी जाते हैं मुझे लेके जाते हैं. सो के चरणों में नारियल तोड़ करके करना चाहते हैं तो खेसारी जी नारियल तोड़ेंगे. गणपति बप्पा हर हर महादेव. यहाँ पे कुछ हमारे इंडस्ट्री के काफी गणमान्य लोग उपस्थित हैं. हम चाहेंगे कि फिल्म के प्रोड्यूसर अमित श्रीवास्तव जी, संजय गुप्ता जी और निर्देशक सूरज शाह जी उन लोगों का स्वागत करें. ये सूरज जी दीजिए, स्वागत कीजिए. हमारे दूसरे यहाँ पे गणमान्य व्यक्तित्व जो हमारे अग्रज पिता तुल्य हमारे दुर्गा प्रसाद जी मौजूद है. मैं चाहूंगा कि दादा आए. ये वो हस्तियां हैं. दादा आ रहे हैं, दादा आ रहे हैं. पहले इनको दीजिए ना, हम तो कभी भी हो जाएंगे. नहीं नहीं, हम तो तुम्हारे साथ ही लेंगे. नहीं तो मैं इनको कर देता. नहीं नहीं, मैं कर देता. नहीं मैं कर देता. अरे नहीं नहीं, अरे वो इतना रिक्वेस्ट कर रहे थे. गए ओके. अनंजय रघुराज जी हमारे फिल्म भोजपुरी इंडस्ट्री का उभरता हुआ नाम, वो चेहरा जो डायरेक्टरों को बना दिया करता है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर. और काफी लोग आप सब हम लोगों के लिए उतने अजीज और उतने ही गणमान्य. दीवानापन किसी के प्रति हो सकता है, दीवानगी किसी के प्रति हो सकती है, परिवार के प्रति हो सकती है, अपने बच्चों के प्रति हो सकती है, ज़मीन जायदाद के प्रति हो सकती है, महबूबा के प्रति हो सकती है. तो जब इतनी सारी दीवानगी एक ही दीवानापन में मौजूद है तो इस फिल्म को चलने से कोई रोक नहीं सकता है. मेरी बेस्ट विशेज
ढेर सारी शुभकामनाएं इस पूरी टीम के साथ, डायरेक्टर साहब के साथ, एंड स्पेशली वन एंड ओनली खेसारी लाल यादव जी के साथ। बैक टू बैक बाबा के मुखारविंद से दो शब्द। चरण से नहीं बोलेंगे, धन्यवाद। कैसी हैं अभी? बुला लीजिए। बहुत बहुत बधाई हो। एक्चुअली मैं बड़ा खाली खाली सा लग रहा था, किन्हीं को बुला सकता हूँ? अब क्या परिवार है दादा। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस मुहूर्त के लिए। बहुत बहुत बधाई हो हमारे डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर साहब, हमारे वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड इन माई लाइफ मिस्टर खेसारी लाल यादव, और बेटा भी, फिल्मी बेटा भी, लव यू मेरे बेटा। मुझे इतनी जल्दी बाप बना देने वाले यही एक इंसान है, नहीं तो अभी तक तो लाल जी तक अभी तक कमा रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शब्द नहीं है, भाव है, भाव समझ सकते हैं, समझिए। लव यू और थैंक यू। अब मैं चाहूँगा खेसारी जी, सबसे पहले जितने लोग यहाँ आए हैं सबको पैर छू के प्रणाम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उस लायक नहीं हूँ कि इस महफिल में कुछ बोल सकूँ। आप लोगों ने मुझे इस पे खड़ा होने का सौभाग्य दिया, आपका आशीर्वाद है, तो मैं कुछ कह पा रहा हूँ। और सभी यहाँ मेरे गार्जियन स्वरूप हैं, सब लोग हैं, और सबके आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छी फिल्म का हिस्सा बनूँ, मैं अपने से जितना हो सकता है कोशिश करता हूँ, बाकी आप लोग का प्यार। और जहाँ तक इस पिता का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि रील के लिए इतना खूबसूरत पिता और कोई हो सकता है, क्योंकि इन्होंने जो मेहंदी लगा कर रखना में किया है, सच में कमाल किया इन्होंने, बहुत अच्छा किया है। अपने करियर को ब्रेक लगा दिया इन्होंने जो चल रहा था। और जहाँ तक रजनीश भैया का सवाल है, तो रजनीश भैया एक ऐसे हीरा हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के कि शायद अनंजय रघुराज जी ने तराशा इनको, और उनकी एक भावना है अनंजय रघुराज जी की, जो कि एक म्यूजिक डायरेक्टर पे इतना बड़ा जिम्मेदारी सौंपा, और जिम्मेदारियों को इन्होंने इतनी बखूबी से निभाया कि एक इतिहास बन गई। तो मैं चाहूँगा कि जब भी आपको जिम्मेदारी दिया जाए सही इतिहास रचने का काम करें, और मेरा विश्वास है आपसे, और आज के डेट में तो हर आदमी का अपेक्षा आपसे बढ़ गई है कि आप जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, क्योंकि अनंजय जी तो अच्छा करते ही हैं, ये तो अपनी नज़रों से बहुत कुछ देखते हैं, स्क्रिप्ट में, हर चीज़ों में, संगीत में, रिलीजिंग में, पोस्टर में। तो मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग इस फिल्म के लिए इसी दुआ करिए, क्योंकि आपकी दुआ के बिना हर वो कलाकार, हर वो पोस्टर, हर वो फिल्म अधूरा है, क्योंकि आपके आशीर्वाद से ही हम लोग यहाँ तक पहुँचते हैं, क्योंकि आप सब टेक्नीशियन, मीडिया, जो भी काम करने वाले लोग हैं, हीरोइन, विलेन, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर तो एक फिल्म का बाप होता है, क्योंकि भगवान की तरह हमारे होते हैं। और प्रोड्यूसर की दर्द शायद मैं समझता हूँ, क्योंकि प्रोड्यूसर है, अभी मैं गया था बिहार में, तो बेचारा तीन तीन दिन तक बाथरूम लैट्रिन नहीं कर पा रहा था बंदा। हंस क्यों रहे? मैं देखा हुआ था, मैं झूठ नहीं बोलता मीडिया के सामने, क्योंकि अपनी फिल्म के प्रति इतना इनका कि कहाँ चलाएं, कहाँ दिखाएं, क्या करें, क्या नहीं करें, 24 घंटा में इनको जगते हुए देखा हूँ। ये होटल में घूमते ही रहते थे, कहाँ जाऊँ, कहाँ करूँ, कहाँ सोऊँ, वो चीज़ें कि मेरी फिल्म कैसे चले। तो एक बेचैनी जो होती है अपने फिल्म के प्रति, मैंने अनंजय जी के प्रति देखा है। तो एक प्रोड्यूसर हमारे भगवान की तरह होता है, और हमें, हम कलाकारों के हक बनता है कि हम प्रोड्यूसरों को इतने अच्छे से ट्रीट करें, और रिकवरी भी उनकी उतना हो जाए। तो मैं कोशिश करूँगा जे दीवानापन जो हमारे सूरज जी हैं, हमारे अमित जी हैं, क्योंकि मैं एक कहानी, आज 6 महीने से हम लोग चेंज ही कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हो रहा है और अच्छा करने की कोशिश हो रही है, नहीं तो इस फिल्म अब तक शूट हो चुकी होती। तो मुझे कुछ लगा तो मैंने कहा कि नहीं, इसको चेंज करिए। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरी मेहंदी दीवानापन के रूप में बिखर के आए और निखर के आएगी, मेरा ये विश्वास है। बस बाकी कुछ नहीं, रजनीश भैया बोलेंगे। संजय देख तो सही यहाँ पे। सर बात करें दीवानापन, आज क्या कहना चाहिए? दीवानापन के हमारे संजय जी, अमित सिर, संजय कुमार गुप्ता जी और अमित श्रीवास्तव जी, और हमारे सूरज जी जो डायरेक्टर हैं, तो ये झारखंड से हैं, यू यूपी से हैं, तो कहीं ना कहीं यूपी और एक बिहार को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तीनों चीज़ें, तीनों जगह की मिट्टी की खुशबू इसमें दिखेगी। और दीवानापन का जहाँ तक सवाल है, तो दीवानापन किसके लिए है ये फिल्म आने के बाद ही पता आप सबको चलेगा,
क्योंकि मैं इनकी सोच जो है मैं उनकी सोच को अभी जाहिर नहीं कर सकता क्योंकि इन्होंने उस सोच को कहाँ से लाया है और कितना सोचा है मैं उसको अभी मीडिया में नहीं बता पाऊँगा, इसलिए मैं उसको गुप्त रख रहा हूँ। जब फिल्म रिलीजिंग पे आएगी तो शायद मैं मीडिया के सामने इस चीज़ को ज़रूर खोलूँगा जहाँ किसके प्रति ये दीवानापन है। इसमें अभी तक तो मैं हूँ और काजल जी हैं।